टाइम हम लोग ब्रिटिश शिक्षा और भारतीय पढ़ रहे थे। हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश शिक्षा किस प्रकार अपने शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार उन्होंने भारत में शिक्षा की व्यवस्था की, जिसके कारण वो लोग चाहते थे कि भारत में हम शिक्षा देकर, अंग्रेजी शिक्षा देकर, पश्चिमी सभ्यता की शिक्षा देकर, वैज्ञानिक शिक्षा देकर हम भारत में और अधिक शासन कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने शिक्षा का यहाँ पर बहुत ही व्यापक प्रसार किया और आज भी वर्तमान समय में भी भारत में उसी शिक्षा प्रणाली के तहत, उसी शिक्षा प्रणाली के तहत हमारे यहाँ शिक्षा में दिन प्रतिदिन सुधार होता जा रहा है और सुधार होता चला है। उन्हीं शिक्षा प्रणालियों पर हम आज भी केंद्रित हैं और हमारी शिक्षा में दिन पर दिन समस्याओं का समाधान होते जा रहा है और हम नई शिक्षा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये था अब हाई स्कूल क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप टिक लगाने वाला। टिक लगाने वाला में है पहला, विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून के अध्ययन क्यों करना चाहते थे, क्यों जरूरी मानते थे। विलियम जोन्स थे वो क्यों चाहते थे कि भारतीय दर्शन और भारतीय किताबों को पढ़ा जाए, समझाया जाए, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता की किताबों को पढ़ेंगे, उनके धर्मशास्त्रों को पढ़ेंगे तो हम शासन को और अच्छी तरह समझ पाएंगे, भारत के इतिहास को अच्छी तरह और समझ पाएंगे और हमको शासन करने में और अधिक सफलता मिलेगी, हम और अधिक दिनों तक शासन भारत पे कर सकते हैं। तो इसका आंसर वही था, भारत में बेहतर अंग्रेजी शासन स्थापित करने के लिए, यानी पहला का आंसर होगा दूसरा है आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको माना गया। तो आधुनिक शिक्षा अंग्रेजी ने यहाँ बताई कि उसकी भाषा किसको माना गया, अंग्रेजी को। इसका आंसर होगा तीसरा क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसने की। तो इसका आंसर होगा ख, विलियम जोन्स। इसका आंसर होगा ख। चौथा नंबर क्वेश्चन है औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीय को मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। गांधी ये सब क्यों मानते थे, वो मानते थे कि भारतीय जो है विद्यार्थी वो अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करके, अंग्रेजी शिक्षा को लेकर वो लोग पश्चिमी सभ्यता को या अंग्रेजों को बेहतर मानने लगे थे, यानी वो पश्चिमी सभ्यता की शिक्षा को, पश्चिमी सभ्यता की रहन सहन को वो बेहतर मानने लगे थे, अपने लोगों से उनमें हीनता की भावना आने लगी थी, वो जो भी शिक्षा ले रहे थे उस शिक्षा को भारत की शिक्षा से बेहतर मानने लगे थे। इसलिए उनका ये मानना था कि ये शिक्षा, आधुनिक शिक्षा कहीं ना कहीं भारतीयों के मस्तिष्क में एक बोध पैदा कर रही है, जो ये समझ पा रही है कि हमसे अच्छे अंग्रेज हैं। और यही कारण था कि जब ये समझने लगे विद्यार्थी कि हमसे अच्छे अंग्रेज हैं तो उनकी तरीके हम अपनाएंगे तो अंग्रेजों का शासन यहाँ पर अधिक दिनों तक रहेगा। यही था। तो इसका आंसर होगा सिक्स वन टाइप को, इसका आंसर होगा को पहला, यानी चार आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। अब है आप लोगों का दूसरा, निम्नलिखित के जोड़े बनाए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जोड़े इसको बना सकते हैं। अब है आइए विचार करें, क्वेश्चन के रूप में दिया गया है, भारत के विषय विलियम जोन्स के विचार कैसे थे संक्षेप में बताएं। तो मैंने अभी बताया भारत की प्रति विलियम जोन्स के विचार अच्छे ही थे, क्योंकि उनको चाहते थे कि भारत के धर्म शास्त्रों को, भारत की किताबों को, भारत की सभ्यता को हम लोग पढ़े और समझे। उन्होंने इसके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया, भारत कई धर्मशास्त्रों को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में किताबें छपवाई उसको। उनका मानना ये था कि अगर भारतीय धर्मशास्त्रों को, भारतीय किताबों को पढ़ेंगे तो उससे हम और बेहतर तरीके से अपना शासन चला सकते हैं, यानी शासन चलाने में हमको और सहूलियत होगी, आसानी होगी। इसी कारण वो भारतीय किताबों को पढ़ना चाहते थे। इसके बाद टॉमस मैकारे ने भारत में किस प्रकार की शिक्षा शुरू करना चाहते थे, इस संबंध में उसने ध्यान दिया थे। तो मैकारे जो थे वो आधुनिक शिक्षा को देने पर जोर मानते थे, यानी वो समझते थे कि
कि हमें वैसी शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि भारत में अंग्रेजी कर्मचारियों की बहुत कमी थी, अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी और भारत जैसे बड़े देश में कर्मचारियों की ज्यादा जरूरत थी, ज्यादा आवश्यकता थी। तो इस स्थिति में वो चाहते थे कि हम अपनी वैज्ञानिक तरीके से शिक्षा देकर और इंग्लिश में शिक्षा देकर हम भारतीयों को शिक्षित करके उनको कर्मचारियों के पद पर रख सकते हैं और उनसे अपना शासन हम लोग चलवा सकते हैं। तो मैकाले ने इसी के कारण वो अंग्रेजी शिक्षा को माना कि अंग्रेजी शिक्षा को ही आधार माना जाए और उच्च विद्यालयों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी की शिक्षा दी जाए और उनको शिक्षित करके उच्च पदों पर कर्मचारियों को देकर और उनसे अपना शासन चलवाया जाए। इसीलिए उन्होंने इंग्लिश की शुरुआत की यहाँ पर और उन्हीं की देन है कि इंग्लिश भारत में शुरुआत हुई। थॉमस मैकाले। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य क्या था, उसका स्वरूप कैसा था। निश्चित है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य था यहाँ पर शासन को और अधिक चलाना, यानी शासन को और अधिक मजबूत बनाना, शासन को और अधिक दिनों तक चलाना, शासन को और अधिक आसान बनाना, यह अंग्रेजी शिक्षा का मूल था। यानी भारतीय जो शासक थे, अंग्रेज यहाँ पर भारतीय बन के शासक जो कर रहे थे, उनका यह मानना था कि हम अंग्रेजी में शिक्षा देकर भारतीयों को शिक्षित करके उनको कर्मचारी के रूप में पदों पर हम नियुक्ति कर सकते हैं और उनसे हम यहाँ पर शासन अच्छी तरह से चला सकते हैं। इसके लिए उन्होंने तरह तरह की व्यवस्थाएं की, उन्होंने हर वर्ष स्कूल खोले गए, कॉलेज खोले गए, जगह जगह उस संस्थानों में शिक्षा अंग्रेजी में शिक्षा की व्यवस्था की गई, प्राइवेट तौर पर जो जनजाति उनको भी छूट दी गई कि आप लोग भी स्कूल चलाइए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का बंटवारा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का विकास हो और तब जाके हमारा शासन और आसानी से चल पाएगा। यही अंग्रेजों की सोच थी भारतीय शिक्षा के प्रति। उसके बाद था शिक्षा के क्षेत्र, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ के विचारों को बताया। शिक्षा के मामले में रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचार लगभग एक जैसे थे, लेकिन कुछ विचारों में उनके मतभेद थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत में सिर्फ भारतीय शिक्षा शैली से ही शिक्षा का विकास हो, यानी भारतीय परंपराओं में जिस तरह शिक्षा को दी जाती है उसी शिक्षा से, वही शिक्षा भारतीय लड़कों को दिया जाए, गांधी ये चाहते थे। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर भी यही चाहते थे, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि भारतीयों को वैज्ञानिक तरीके से भी शिक्षा देना अनिवार्य है। वैज्ञानिक तरीके से जो वैज्ञानिक शिक्षा है, वैज्ञानिक शिक्षा, वो भी जरूरी है और उस शिक्षा से हम अपने देश का, लड़कों का बेहतर विकास कर सकते हैं। यही कारण था कि शांति निकेतन में उन्होंने एक इस वैज्ञानिक शिक्षा की भी उन्होंने व्यवस्था की थी और उसकी भी शिक्षा दे रहे थे। तो ये कुछ मतों में अंतर था, लेकिन बाकी जितने भी विचार थे रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के, सब एक समान थे। उसके बाद अंग्रेजी विद्वानों में शिक्षा के विषय में किस प्रकार के विवाद थे, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं बताएं। अंग्रेजी के विद्वान थे, वो शिक्षा नीति में कई तरह के विवाद थे। कोई चाहता था एक वर्ग चाहता था, अंग्रेजों में दो वर्ग, एक वर्ग चाहता था कि भारतीय शिक्षा को पढ़ा जाए, भारतीय शिक्षा को समझा जाए, भारतीय धर्म शास्त्रों को समझा जाए और उसके अनुसार हमें समझ के और उसके अनुसार हम यहाँ पर अच्छी तरह से शासन चला सकते हैं। जबकि दूसरा वर्ग था थॉमस मैकाले का, वो ये चाहता था कि हम यहाँ पर अपनी शिक्षा देकर, यानी वैज्ञानिक शिक्षा देकर, अंग्रेजी शिक्षा देकर हम यहाँ के लोगों को शिक्षित कर हम अपना शासन अधिक दिनों तक चला सकते हैं। दो ग्रुप था और दोनों ग्रुप को अलग अलग सोच थी और अलग अलग मानते थे। यही शिक्षा नीति के विषय में दो रूपों में विवाद था। अभी आप लोगों का चैप्टर खत्म हो गया, सातवां चैप्टर। अगले वीडियो में हम लोग लेसन 8 यानी अध्याय 8 पढ़ेंगे, जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ, जातीय व्यवस्था कैसे आई भारत में और उसकी क्या क्या चुनौतियाँ हैं और आज के समय में भी वो क्या क्या चुनौतियाँ दे रही हैं, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग इस सारे प्रश्नों को अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। अगला टॉपिक, अगला लेसन आप लोग पढ़ के आइए जरूर, ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। धन्यवाद।